आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल इंटीरियर वुड फेस में। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं बर्च प्लाई के बारे में। बहुत लोगों ने कमेंट में पूछा है कि बर्च प्लाई क्या होता है, उसके ऊपर वीडियो बनाइए, तो ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो इस वीडियो का अंत तक देखिएगा, और उससे पहले निवेदन हर बार की तरह कि चैनल पे अगर नए नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा लाल वाला बटन दबा के, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते। ये है वो सैंपल जिसके बारे में बात कर रहे थे, बर्च प्लाई के बारे में। तो काफ़ी अच्छा सैंपल देखने में लग रहा होगा आपको, और बिल्कुल इसका जो फेस होता है वो भी बिल्कुल स्मूथ होता है, और इसके जो लेयर्स होते हैं वो भी चारों तरफ से बिल्कुल आपको देखने में बिल्कुल एक्यूरेट बराबर दिखता है। तो इसीलिए लोग इसको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं आजकल के समय में, और काफ़ी सर्च कर रहे हैं इसको। तो ये एक ही तरह का सिर्फ प्लाई ही आता है, इसमें बोर्ड नहीं आता है, इसलिए बर्च प्लाई के नाम से ये फेमस है। और ये जैसे कि रसियन बर्च प्लाईवुड हो गया, और ये जो फोल्डर का नाम है प्रोवो है, इसके अंदर में जो यही बर्च प्लाई के सैंपल्स लगे हैं, क्या थिकनेस है, क्या साइज है, वो अंदर चल के बात करते हैं। लेकिन जो इसके जो फेस होता है बर्च प्लाई की जो बात करूँ, तो वो वीनियर टाइप का ही फेस होता है। अब उससे पहले देखिए, जैसे एप्लीकेशन में बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ जहाँ आप यूज कर सकते हैं, तो बहुत जगहें ऐसी हैं, इसको भी पॉज करके आप देख सकते हैं, उसके बारे में और भी आगे बात करेंगे। तो जब मैं बता रहा था कि वीनियर जैसा फेस होता है जिसके ऊपर आप पॉलिश भी कर सकते हैं, तो पॉलिश करके आप इसको लाइट कलर, डार्क कलर, उस टाइप से आप ग्रेन्स वगैरह इसमें दिखते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा भी, उसके बारे में दिखाऊंगा भी, उसके पिक्चर्स वगैरह भी। तो ये जो इसमें कंपनी की तरफ से लिखा है कि 1.4 mm थिकनेस की जो लेयर है उसको बॉन्ड करके इसको बनाया गया है, और ये वाटरप्रूफ होता है, वेदर एंड बॉइलिंग वाटरप्रूफ होता है। और इसमें जो थिकनेस अवेलेबल है वो तो कंपनी की तरफ से काफ़ी 3, 4, 6, 8, 9, 12 बहुत सारे थिकनेस लिखी है, लेकिन जो फोल्डर के अंदर जो सैंपल्स लगे हुए हैं और मार्केट में जो जनरली नॉर्मली अभी चल रहा है, तो वो अलग थिकनेस है। तो ये बाकी जो कहाँ कहाँ आप यूज कर सकते हैं, तो बाकी इंटीरियर में आप कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं, वाटरप्रूफ है, और इसके आप कैबिनेट वगैरह, अलमीरा, फर्नीचर सब कुछ बना सकते हैं। तो ये जो थिकनेस है इसमें अवेलेबल है वो 6 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm और 18 mm की थिकनेस है। और जैसा कि आपको ये लेयर्स दिख रहा होगा, सबसे कमाल की चीज़ इसी में यही है कि लेयर्स इसके बिल्कुल एक्यूरेट बराबर दिखते हैं, जिसकी वजह से लोग इसे काफ़ी पसंद कर रहे हैं। और इसका जो फेस होता है वो भी बहुत ही स्मूथ होता है, जिसके ऊपर आप पॉलिश वगैरह भी कर सकते हैं। इसका जो साइज़ अभी मार्केट में अवेलेबल है वो लगभग 8x4 ही है, जो नॉर्मल प्लाईवुड का जो साइज आता है, तो वही 8x4 का ये प्लाई मिलेगा आपको। और ये एक तरह से आप इसको वीनियर ही समझिए जिसके ऊपर आप पॉलिश कर सकते हैं। बाकी इसके बारे में बात करते हैं कि ये इंस्टॉलेशन वगैरह कैसे होता है। बिल्कुल ईजी है, इसको लगाना बेहद ही आसान है, बिल्कुल जैसे आप प्लाईवुड यूज करते हैं उसके ऊपर आप कील का मार सकते हैं या स्क्रू से आप लगा सकते हैं, तो इस पर भी आप वही चीज़ें आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसको कहाँ कहाँ आप यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको को मैंने बताया कि ये वाटरप्रूफ मटेरियल है, और ये वीनियर टाइप का प्रोडक्ट है जिसके ऊपर आप पॉलिश वगैरह भी यूज कर सकते हैं, कलर में भी आप थोड़ा सा लाइट डार्क कर सकते हैं, इसके रेसे आप थोड़े से और उभार सकते हैं जैसे कि वीनियर वगैरह में होता है। तो इसको आप जैसे वॉल पैनलिंग, फर्नीचर, उसके अलावा फिर आपको जैसे कि पॉलिश जो आप करेंगे ना, तो वो अपनी थीम के हिसाब से किसी भी तरह का, जैसे डार्क कलर हो गया, लाइट कलर हो गया, तो वो सब चीज़ें आप कर सकते हैं। तो इसको आप वॉल पैनलिंग, फर्नीचर हो गया, सीलिंग वगैरह में यूज कर सकते हैं, आप इसको किचन में यूज कर सकते हैं, इसके बाद में आप ऐसी ऐसी चीज़ें इसमें कर सकते हैं जो नॉर्मल प्लाई पे बिल्कुल ही मतलब कि मुश्किल है, जो आप नॉर्मल प्लाई पे आप नहीं कर सकते। जैसे कि आप देख रहे हो ये जाली कटिंग जो है, ये बर्च प्लाई के ही अंदर किया हुआ है, इसको बेहद ही आसान तरीके, क्योंकि इसमें जो लेयर होता है इसको जब सीएनसी मशीन से जब इसकी कटिंग करते हैं, तो इस तरह के लेयर्स और ग्रेन्स इसमें दिखते हैं, तो ये कितना बेहद ही अच्छा लगता है। तो इसके आप जाली कटिंग करवा सकते हैं पार्टीशन में यूज करने के लिए, इस तरह से आप पार्टीशन में दे सकते हैं। वॉल पैनलिंग के लिए आप इसमें वेब पैटर्न वगैरह कटवा सकते हैं, जैसे कि ये आप देख रहे हैं, इसमें भी और भी काफ़ी तरह के डिज़ाइंस, जैसे कि ये है, ये भी बर्च प्लाई ही है,
तो उसमें अब ये देखिए ये दूसरे तरीके से यूज किया हुआ है, लेकिन ये बर्च की ये जो आपने देखा वो बर्च का पूरा लक्कड़ था, प्लाई नहीं थी, ये प्लाई है वॉल पैनलिंग के लिए। इस तरह से इसके ग्रेन्स दिखते हैं बिल्कुल लेयर्स के। तो ये जो आप लेयर देख रहे हैं इसी तरह यही लेयर जब सीएनसी मशीन कटिंग होती है तो वो ग्रेन्स बाहर आता है और बेहद ही खूबसूरत लगता है। तो जाली और वेब आप अपने इंटीरियर में कहीं भी आप इसको यूज कर सकते हैं, पार्टीशन में या वॉल पैनलिंग में, बाकी इंटीरियर में आप कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं। आप लगभग समझ गए होंगे इस चीज़ के बारे में। और आप इसको जो डायरेक्ट वॉल पे भी लगा सकते हैं क्योंकि ये वाटरप्रूफ प्लाई है, तो डायरेक्ट इसको वॉल पे लगा सकते हैं। बात करें इसके अवेलेबिलिटी की तो आपको ये हर मतलब की प्लाईवुड शॉप पे आप जाके पता कर सकते हैं, वहाँ पे आपको लगभग मिल जाएगा। एक अच्छी जो प्लाईवुड की शॉप होती है वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। बाकी अगर दिल्ली के आसपास अगर आपको चाहिए हो तो नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको मैं दे दूंगा, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इसके लिए। बाकी अब बात करते हैं इसके प्राइजिंग के बारे में। तो प्राइजिंग इसकी लगभग आप देख रहे हैं 6 mm का 65 रुपये फुट मिल जाएगा, 8 mm का 75, 12 mm 110 रुपये, 16 mm 135, 18 mm। ये एक टेंटेटिव, एक ज़रूरी नहीं कि आपको इसी एक्यूरेट रेट में मिल जाए, ऊपर नीचे हर एक सिटी या एरिया के हिसाब से वो रेट ऊपर नीचे होता, बाकी इसी के आसपास आपको ये रेट मिल जाएगा। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।